अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजीन और नईल का प्ले देखेंगे। फॉग अ वन एक्ट प्ले है। इसमें बेसिकली मैं टू पार्ट्स में लेक्चर डिलीवर करूँगा। आज का ये पार्ट वन है, पार्ट वन टू कल जो है हम देखेंगे। सबसे पहले इसके करेक्टर्स हम देख लेते हैं, मेजर करेक्टर्स। अ पोएट है, अ मैन ऑफ बिजनेस है, अ पोलिश पीजेंट वुमेन है, अ डेड चाइल्ड है, और थर्ड ऑफिसर ऑफ अ स्ट्रीमर है, और सेलर्स फ्रॉम द स्ट्रीमर है। इसमें बेसिकली ये सारे जो डिफरेंट पांच करेक्टर्स यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, ये बेसिकली डिफरेंट परस्पेक्टिव टूवर्ड लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी शायर का जिंदगी की तरफ अपना नुक्ते नज़र है, बिजनेस मैन का अपना है, और वो जो वुमेन थी, वुमेन थ्रू आउट दिस प्ले साइलेंट रहती है, शी नेवर स्पीक्स। और जो डेड चाइल्ड है वो भी नहीं, ही वॉज ऑलरेडी डेड ना। यानी इन पांच प्लेस में, सॉरी करेक्टर्स में से, एक दो तीन चार पांच छह करेक्टर्स में से दो करेक्टर थ्रू आउट द इस प्ले में बोलते ही नहीं है। यानी जो पोलिश पीजेंट वुमेन है वो नहीं बोलती, और डेड चाइल्ड इस पूरे प्ले में नहीं बोलती। जबकि जो कन्वर्सेशन है दैट इज बिटवीन द पोएट, बिजनेसमैन और जो ऑफिसर्स आते हैं। अब इसका जो सीन है कहाँ पे है कि ये तीनों करेक्टर्स, यानी पोएट, डेड चाइल्ड, बिजनेसमैन और जो डेड सॉरी पीजेंट वुमेन है, दे आर सिटिंग इन ए लाइफ बोट, पैसेंजर में है जो कि बचाने वाली लाइफ बोट में बैठे हैं, एट द ग्रेट बैंक्स ऑफ द न्यू फाउंडेड लैंड इन द फॉग। फॉग धुंध को कहते हैं, उसमें बैठे हैं एक दूसरे की तरफ खामोशी से। थ्री फिगर्स इन द बोट आर डार्कली आउटलाइंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वेपर। ये पीछे जो है ना वो वेपर्स हैं ये वाले फॉग के, और तीन करेक्टर जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। उनमें एक पोएट है, एक वुमेन है, और तीसरा बिजनेसमैन है, जबकि बच्चा जो है दैट इज द डेड वन, और वो उस औरत की गोद में है। तो हम लाइफ के डिफरेंट एंगल्स को देखते जाएंगे, शायर का क्या है, बिजनेसमैन का क्या है। शुरू में मैंस वॉइस कहते हैं, अपेलिंगली ब्रिस्क एंड ब्रीजी अंडर द सर्कमस्टांसेस, ब्रा आई विश डे लाइट वुड कम, आई एम बिगिनिंग टू प्रिटी चिली ना। यानी सर्दी का मौसम है, चिली मना सर्दी हो रही है उसे, और ऑल जो है फर्स्ट वाइस ये उसकी है, बिजनेसमैन और उसकी ना पोएट की ना, उनको सर्दी लगी है। वो कहते हैं काश दिन आ जाए क्योंकि मुझे सर्दी लगी हुई है। हाउ अबाउट यू, ही रिसीव्स नो आंसर्स एंड रेजेस हिज वॉइस, द फियर ऑफ द सॉलिट्यूड सडनली अलाइवन विद इन हिम। हेलो देयर, यू हैव नॉट गॉन टू स्लीप, हैव यू अनदर मैंस वॉइस। तो वो जवाब नहीं देता, तो दूसरे वाला बंदा कहता है कि यानी उसे जगाता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, वो कहता खामोश हो जाता है। तो यहाँ पे थीम जो है, थीम ऑफ सॉलिट्यूड है, यानी कि बच्चा जो है इज डेड, वुमन इज साइलेंट, दो बंदे जो आपस में बात कर रहे हैं उनमें से एक बंदा बात करते तो दूसरा जवाब नहीं देता। तो थीम ऑफ सॉलिट्यूड जो है ना, यहाँ से हमें प्ले को एक सिग्निफाई करता है कि इस प्ले की जब हम मेजर थीम्स की बात करेंगे तो थीम ऑफ सॉलिट्यूड भी उसमें होगा। Another man's voice, more refined than the first, clear and unobtrusively melancholy. Melancholy माना sadness. दूसरा इस प्ले का जो थीम है वो sadness भी है। मैं अगले लेक्चर में इनके थीम्स अलग-अलग राइट करके फिर आपको, लेकिन अभी आप समझते जाएंगे इसका ये यहाँ पे थीम खड़ा है, यहाँ पे थीम खड़ा है, क्योंकि रिपीटेडली मैं बार बार टेक्स्ट की तरफ तो नहीं आ सकूंगा। नो आई एम नॉट स्लीप, वो कहते नहीं मैं सोया हुआ नहीं हूँ। फर्स्ट वॉइस, कम्प्लीटली रीअश्योर्ड, थॉट यू माइट हैव डोज्ड ऑफ, I did a while ago, eyes refused to stay open any longer, could not imagine where I was when I woke up, had forgotten all about the damned wreck. यानी ship wreck हो चुका है उनका, ship wreck हो चुका है, जहाज जो उनका था वो क्या नाम है टूट गया है, वो वहीं पे लाइफ बोट में बैठे हैं, उनको कोई अदर शिप जो सेलर्स हैं लेटर ऑन आखिरी वाले जो आते हैं ना वो उनको बचाने आते हैं, तो ये उनके वेट में बैठे हैं, टायर्ड हैं,
where I was when I woke up and had forgotten all about the damned rat. Second wise, you are fortunate to be able to sleep. I wish I could go to sleep and forget. That's all. बच्चे ये वाली बात भी यहाँ पे मतलब कि नींद जो होती है वो हमारे गम और हमारी परेशानियाँ हमें भुलाने का सबब बनती है. उनमें से एक जो स्लीपलेसनेस, इसमें ये थीम जो है वो इंसोमनिया का है, एंग्जाइटी, मेंटल टॉर्चर का ना, कि वो इतने अंडर स्ट्रेस कंडीशन में, ट्रॉमा जिसे कहते हैं ना, तो देवर इन द ट्रॉमेटिक सिचुएशन. कि एक बंदा कहता है कि मैंने अभी सो गया था और मेरी आँख लग गई थी क्योंकि मेरी आँख खुलती नहीं थी, जबकि दूसरा बंदा कहता है कि काश मैं सो सकता होता. ये अगर हम लाइफ में भी देखें तो इसी तरह है. जिसको नींद आती है वो कहता है कि यार मुझे जगाते क्यों हो, और जिसे नहीं नहीं आती तो वो कहता है कि यार किसी तरह मुझे नींद आ जाए. यानी डिफरेंट ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हवाले से ये किया गया. तो यहाँ पे जो थीम चल रहा है इस वाली करंट स्लाइड में, इसमें मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा, एंग्जाइटी है एक बंदे की ना. फर्स्ट वाइज, ओह कम ऑन नाउ, यू मस्ट थिंकिंग अबाउट इट. कहता है अगर आप नींद का सोच रहे हैं तो सो जाओ. दैट वोंट डू एनी गुड, ब्रेस अप, यू आर श्योर टू गेट आउट ऑफ दिस मेस ऑल राइट. आई हैव फिगर्ड इट ऑल आउट. यू नो हाउ लॉन्ग अ टाइम इट वॉज बिटवीन द टाइम वी हिट द डायलिसिट, इट वॉज द डायलिसिट वी हिट, वॉज नॉट इट. सेकेंड वाइज कहते हैं वेल द वायरलेस वॉज गोइंग ऑल द If you remember, and one of the officers told me that we had lots of the answers from the ship, saying that they were on the way to help us. Second voice कहती है, in this fog, इस धुंध में, इन्हीं जो कैप्टन होता है जहाज का वो फोन करता है हेल्प के लिए. तो इन एक जो है इसमें यहाँ पे हेल्पलेसनेस, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का थीम भी है. इनके वन करेक्टर इज ऑप्टिमिस्ट, मस्बत ख्याल कर रहा है, दूसरा जो है वो पेसिमिस्ट कर रहा है. सेकंड वॉइस कहते हैं इन दिस फॉग में भी कोई आएगा, इस धुंध में कोई हमें आएगा. तो फर्स्ट वॉइस वाला कहते हैं कि नहीं, हाँ हमें आ रहे हैं लोग ना बचाने के लिए. तो फर्स्ट वॉइस, ओ दिस इज ऑल गो अवे एज सून एज द सन गोज अप. वो कहते हैं धुंध तो जो है आरजी है, जो ही यानी कि सूरज निकलेगा धुंध खत्म हो जाएगी. आई हैव बीन प्लेंटी लाइक दिस एट माई कंट्री प्लेस ऑन द कनेक्टिकट शोर, मे बी नॉट एज थिक एज दिस वन बट नियरली एज बैड. व्हेन द सन केम अप दे ऑलवेज डिसअपीयर्ड बिफोर द मॉर्निंग वॉज ओवर. यानी देहातों में भी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध खड़ी होती है, जो ही सूरज आता है तो धुंध खत्म हो जाती है. तो वो कहते हैं मैंने अपनी कंट्री साइड में बहुत दफ़ा देखा है कि ऐसे होता है, लेटर ऑन जो है वो ख़त्म हो जाती है धुंध ना. सेकेंड वॉइस कहते हैं यू फॉरगॉट वी आर नाउ नियर द ग्रैंड बैंक्स द होम ऑफ द फॉग. यानी हम वहाँ पे हैं जहाँ पे धुंध के छटने का भी कोई वो नहीं है, यकीन नहीं है. फर्स्ट वॉइस कहती है विद अ लॉफ दैट इज अ बिट ट्रबल्ड. हंसते हुए कहते हैं कि यार इसका मतलब है हम परेशानी में. आई मस्ट से यू आर नॉट अ वेरी चीयरफुल कंपेनियन. अब जो फर्स्ट वॉइस है वो ऑप्टिमिस्ट है. ऑप्टिमिस्ट का माना है जो मस्बत सोचता, पिक्चर की मस्बत साइड देखता, और दूसरा पेसिमिज्म है जो नेगेटिव. यहाँ से आप इनकी वॉइस से अंदाजा लगाते जाएंगे कि ऑप्टिमिस्ट दुनिया को किस तरह देखते हैं और पेसिमिस्ट किस तरह देखते हैं. व्हाई डू यू नॉट Look at the bright side, a pass during which he is evidently thinking over what the other man has told him. Na, we first wise wala jo hai wo kehte hai ki yaar tum cheezon ki musbat side ko kyun nahi dekhte. The grand banks hum, well I refuse to be scared. Wo kehte main grand banks aur theek hai ye hum of fog hungi kuch bhi hoga to main inse darta nahi hu. I refuse to be scared. Scared ka matlab hai darna. To kehte main darne se inkaar karta. सेकेंड वॉइस कहती है आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग आवर सिचुएशन सीम वर्स देन इट इज रियली इज. यहाँ पे थर्ड जो थीम है रियलिज्म का भी है. सेकेंड वॉइस पर लगा था कि मैं चीज़ों को सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखना चाह रहा, लेकिन मुझे इसकी वर्सन सिचुएशन का पता है कि ये हम इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में. और बंदे को जो कहते हैं कि मैन शुड नॉट बी टू सम एक्सटेंट शुड बी पेसिमिस्ट,
शुड बी ऑप्टिमिस्ट, और सबसे ज्यादा जो होना चाहिए उसे रियलिस्ट होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए. रियलिज्म जो है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन्स लाइफ. आई हैव एवरी होप दैट वी विल एवेंचुअली बी रेस्क्यूड एंड इट्स बेटर नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच. कहता है मुझे इस बात के ऊपर इतबार है कि एक हम बचा लिए जाएंगे, लेकिन हमें इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि श्योरली वी वुड बी रेस्क्यूड ना. इट ओनली मेक्स डिसअपॉइंटमेंट मोर बिटर. ये इसका मतलब ये है कि जब बंदा एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा हो और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है वेन इट कम्स. फर्स्ट वाइस कहते हैं कि आई सपोज यू आर राइट बट आई कैन नॉट हेल्प बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. वो कहते हैं मैं ऑप्टिमिस्ट हुए बगैर रह नहीं सकता. सेकेंड वॉइस कहते हैं यू रिमेंबर हाउ डाउन का डाउन ईस्ट यू वर यस्टरडे व्हेन वी फेल टू हियर एनी साउंड ऑफ अ शिप. अभी जहाँ पे जिस मौके पर वो बैठे हैं तो दे हैव मेड अ कॉल टू द रेस्क्यूअर शिप्स. उनको उनका रब्ता हो गया, वो सिर्फ बचाने आ रहे. तो वो कह रहे हैं कि कल तो हमारा उन रेस्क्यूअर शिप्स के साथ रब्ता भी नहीं हो पा रहा था, तब तुम कितने डाउन ईस्टेड थे, परेशान थे. टुडे इज लायबल टू बी द सेम अनलेस दिस फॉग लिफ्ट्स. कि जब तक ये फॉग छट नहीं जाती तो हमें तब तक उतना ही परेशान रहना चाहिए. सो डू नॉट होप फॉर टू मच. इतने ज्यादा की अच्छी आप उम्मीद ना करें. फर्स्ट वाइस कहती यू आर फॉरगेटिंग द फेस दैट देयर वॉज नो सन यस्टरडे. अब वो देखो ना, देखे ना कि वहां से हालात निकाल रहा है. वो कह रहा है कि कल इतने वो नहीं था, सूरज नहीं था, आज सूरज है. क्यों? इससे ये इनके प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम भी है और कॉन्सेप्ट भी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है चीजें तब्दील हो जाती हैं. यानी कल के जो फिजिकल सराउंडिंग्स थी वो डिफरेंट थी और आज की वो डिफरेंट है. यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑप्टिमिस्ट किस तरह चीजें कंस्ट्रक्ट करता है. यानी फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है तो वो कहते हैं कि मैंने ये मेहनत की है, यहाँ से मेरे बच निकलने के चांसेस हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से हैं. और जो पेसिमिस्ट होता है वो कहते हैं कि बस अब मैं नहीं बचना ना. दैट काइंड ऑफ द वेदर कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. सेकेंड वाइज कहती है ड्राईली परहैप्स वी कुड नॉट सी द सन ऑन अकाउंट ऑफ द फॉग. कहते हैं कि शायद हम फॉग की वजह से सूरज देख ही ना सकते. तो वो कहते हैं कि आज सूरज है. सूरज है से मुराद पहले वाली वॉइस कहती है कि सूरज आएगा तो फॉग छट जाएगी. दूसरे वाले का पेसिमिस्ट को पेसिमिस्ट कहता है जो तारीख एस्पेक्ट को देखे ना. तो पेसिमिस्ट कहते हैं कि नो टुमारो मतलब सूरज इसी फॉग की वजह से नहीं आएगा. फर्स्ट वॉइस कहती है आफ्टर अ पास आई विल एडमिट आई डिड प्रिटी यस्टरडे आफ्टर दैट टेरिबल थिंग्स हैपेंड. सेकंड वॉइस कहती है softly what mean after the child died. यानी बच्चे के मरने के बाद जो है ना, यानी कि यहाँ पे जो terrible thing है that is the death of the child. First voice कहती है gloomily yes I thought that woman would never stop crying. अब जब बच्चे की death हुई तो first voice ने कहा कि मेरा ये ख्याल था कि औरत जो है वो रो रो के चुप भी नहीं करेगी. ought it was awful इंतहाई गमगीदा और संजीदा था, गमनाक था. हर क्राइज एंड द फॉग, ये तीन चीजें, बच्चे की डेथ हो चुकी है और डेफिनेटली वो मदर है तो माँ जो है वो बच्चे की डेथ के ऊपर रोएगी और ऊपर से फॉग है. तो वो कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें इमेजिन कर करके जो है ना परेशान हो रहा था. एंड नॉट एन अनदर साउंड एनीवेयर और इर्द गिर्द कोई भी और आवाज नहीं थी. यहाँ से बच्चे नो साउंड एनीवेयर जो है ये सिग्निफाई करती है कि सॉलिट्यूड जो जिसे तन्हाई कहते हैं दैट इज आल्सो वेरी ट्रबलसम फॉर दीज करेक्टर्स ना. और तन्हाई हमेशा हर किसी के लिए जो है वो ट्रबलसम होती है. सेकेंड वॉइस कहती है इट वॉज द मोस्ट हॉरेबल थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ इट. आई नेवर ड्रीम्ड एनी थिंग कुड बी सो फुल ऑफ ट्रेजेडी. फर्स्ट वॉइस कहते हैं कि it was enough to give anyone the blues that's sure. yani ye yakeeni baat hai ki ye kisi ko bhi intihai give anyone blues ka mana se pareshan kar dena to be in tragic condition. lekin wo ye optimist hai kyunki ye kehte besides my clothes were wet and I was freezing cold you can imagine how merry felt. kehta maine khushi mehsoos ki ki ab hum is musibat se nikalne wale hain.
grumbling. Not that they are any dire now, but somehow I feel warmer. कि मुझे अंदर से जो है वो खुशी महसूस हुई, तो उस वजह से कपड़े भी वार्मर महसूस होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कहता जो रेस्क्यू की हैप्पीनेस थी उस वजह से उम्मीद जो है ना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बताता जाऊं, एक कहावत है जैसे यानी फोक टेलें होती है ना, तो एक बादशाह ने कहा, ये शायद मैंने आपको पहले भी सुनाई हो, एक बादशाह था तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है लेकिन उसके साथ करूंगा जो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहे। तो बहुत सारे बंदे आए उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो वो हर बंदे को सर्दी लगती, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद हर बंदा चला जाता था। तो लेकिन एक चरवाहा आया और वो सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह गए तो मतलब एक चरवाहा खड़ा था उसमें जो सारी रात उसी ठंडे पानी में खड़ा रहा। तो अवाम परेशान, बादशाह हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूं, एक तो ये चरवाहा है लेकिन ये मेरी कंडीशन के मुताबिक सारी रात खड़ा भी रहा है। तो उसने बादशाह से, उससे किसान से पूछा भाई क्या वजह है कि हर किसी को तो सर्दी लगती थी वो चला जाता। तो उसने कहा कि मैंने बस ये देखा कि सामने मुझे, मैं जब खड़ा तो मुझे लगा कि सामने से आग आ रही है और मैं यही इसी उम्मीद पर खड़ा रहा कि ये अभी आग 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएगी और मैं जो है ना अपने आप को वार्म अप कर लूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कहता सारी रात गुजर गई, वो आग मेरे करीब ना आई लेकिन मैं उस उम्मीद के ऊपर खड़ा रहा। तो जो उम्मीद है, होप टू बी रेस्क्यूड, वो उसने फर्स्ट वाइफ को, फर्स्ट वाइफ तो ऑप्टिमिस्ट है ना, मस्बत सोचने वाली, उसको इसी बात का रब्ता कि हमारा रब्ता रेस्क्यूअर्स के साथ हो गया है तो अब हम जो है ना बचा लिए जाएंगे, ये उसको फील वार्मर कर रहा है। और वो सारे जो डेड चाइल्ड का जो हॉरिबल सीन था वो उसको भी भूल गया, इनके बच्चा मरा पड़ा था सामने उनके वुमन की लैप में, तो वो उसको भी भूल गया था। सेकेंड वॉइस कहती है आफ्टर अ लॉन्ग पास, सो यू थिंक द चाइल्ड डेथ वॉज अ टेरेबल थिंग। फर्स्ट वॉइस कहती है इन एस्टॉनिश्ड ऑफ कोर्स व्हाई डू नॉट यू, कि आपको नहीं लगता कि वो हॉरिबल। सेकेंड वॉइस कहती है नो मुझे नहीं लगता। फर्स्ट वॉइस बट यू सेड जस्ट अ मिनट अगो दैट, कि आपने यही बात पहले थोड़ी देर पहले कही है कि जो डेथ ऑफ द चाइल्ड थी दैट वाज द हॉरिबल। सेकंड वॉइस कहते आई वाज स्पीकिंग ऑफ द ग्रीफ एंड डिस्पेयर ऑफ द मदर। यानी जो सेकंड वॉइस के लिए अब यहाँ पे डेथ के हवाले से भी आएगा कि डेथ जो थी वो किसके लिए हॉरिबल थी और किसके लिए, उन्होंने डेथ का अदर पर्सपेक्टिव ले लिया कि मरने वाला तो मर जाता है। जैसे आपने वो सुना होगा ना, कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में मरना आसान है, अल्लाह के रास्ते में जीना मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि बच्चा था वो मर गया, अब उसकी दुनिया की सारी मुश्किलात और परेशानियों से उसकी जान छूट गई है, ये डेथ के ऊपर अब आर्गू कर रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि बच्चा तो मर गया लेकिन जो माँ को गम लगा, कहते हैं कि मरने वाला सबसे ज्यादा गम जो है ना पीछे वालों को देकर जाता है, उसको तो उस तकलीफ का, डिस्पेयर का, गरीब का, गम का एहसास ही नहीं होता मरने वाले को। मरने वाले को तो मौत की सख्ती का एहसास भी नहीं होता, अगरचे वो उसमें से गुजरता है, मौत मरते वक्त वो उसी मौत के दुख में से गुजरता है लेकिन मरने के बाद तो उसको उसका भी एहसास नहीं होता कि हाउ द डेथ वाज बिटर फॉर हिम ना। तो कहते आई वाज स्पीकिंग ऑफ द ग्रीफ एंड डिस्पेयर ऑफ द मदर, क्या नाम है, बट डेथ वॉज काइंड टू दैट चाइल्ड, कि वो कहते हैं कि डेथ जो थी वो उस बच्चे के लिए काइंड थी, इट सेव्ड हिम मैनी अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ सॉर्डेड ड्रजरी। ड्रजरी कहते हैं परेशानी को, दुख को, सदमात को ना, तो सॉर्डेड मतलब तल्ख, उसने आगे जिंदगी जो गुजारनी थी उसकी सॉर्डेड ड्रजरी से मौत ने उसको वो कर दिया। तो मौत जो है यहाँ पे अगला थीम जो है वो डेथ का है, कि डेथ भी जो है वो किसी टाइम पर बहुत ज्यादा एक्यूट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी कहते हैं परेशानी में बंदा हो तो उसके लिए मौत ब्लेसिंग भी बन जाती है। जिस तरह की ये फिजिकल सिचुएशंस में थे कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो ठंडे पड़ गए थे और जहाज़ जो थी सॉलिट्यूड थी, फॉग थी, तो इस तरह के हालात के लिए मौत जो है वो उस बच्चे के लिए ब्लेसिंग थी।
यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चा किस तरह मर जाता है, लेकिन सिचुएशन से ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि बच्चा सर्दी और भूख की वजह से मरा है। फर्स्ट वॉइस कहती है, आई डू नॉट नो एज एग्री विद यू देयर, एवरीवन हैज अ चांस इन दिस वर्ल्ड बट वी हैव ऑल गॉट टू वर्क हार्ड। कहते हैं हर बंदे को हक की जिंदगी जो है वो भी इंतहाई जरूरी है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ये ना हो कि बंदा अगर दुनिया के साथ कूप नहीं कर पा रहा, फेल हो रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाए या उसके लिए मौत ब्लेसिंग हो जाएगी। तो बेसिकली जो स्ट्रगल है इस दुनिया में जीने की है कि एवरीवन हैड अ चांस इन दिस वर्ल्ड, ये डेथ के ऊपर प्रेफरेबल है। अगर चाहे हर किसी ने मरना तो है, लेकिन स्ट्रगल जो है दैट इज ऑल्सो एप्रिशिएबल। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई फिगर इट आउट, उसने कहा मैंने इसका इशारा किया। सेकेंड वॉइस कहती है कि व्हाट चांस हैड द पुअर चाइल्ड, कि उस बच्चे बेचारे को कौन सा चांस मिला था। सेकेंड वॉइस, देयर इज नो अदर स्टैंड पॉइंट, कि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सेकेंड वॉइस कहती है, द चाइल्ड वॉज डिजीज एज बर्थ, बच्चा जो है वो पैदा होते ही बीमार था। स्ट्रिकन विद अ हेरिडिटरी इल दैट वॉज द मोस्ट वाइटल मैन आर एबल टू शेक ऑफ। ये वाला बच्चे यहाँ पे जो हेरिडिटरी डिजीज और इलनेस की उसने बात की है, ये यहाँ पे डिजीज वो वाली नहीं, आगे उसको कहेगा कि पॉवर्टी जो थी वो उसकी हेरिडिटरी इल थी। आपने देखा होगा कि गरीब के जो बच्चे होते हैं तो वो खुराक के हवाले से, मतलब उनको भूख जो है वो विरासत में मिलती है और गुर्बत जो है वो विरासत में मिलती है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े बंदे जो है, ओनली मैन कैन शेक ऑफ, जो बड़े बहादुर आदमी होते हैं वो गुर्बत को खुशहाली में तब्दील कर देते होते हैं। तो बच्चे को क्या चांस मिला, बच्चा किस तरह उस महरूमियों के साथ लड़ता, इन्हीं डिजीज ऑफ पॉवर्टी के साथ किस तरह लड़ता। फर्स्ट वॉइस कहते हैं, यू मीन, आपका मुराद। सेकेंड वॉइस कहते हैं, आई मीन पॉवर्टी द मोस्ट डेडली एंड प्रीवेलेंट ऑफ ऑल द डिजीजेस। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो डेडली और प्रिवेलेंट डिजीजेज हैं उनमें सबसे टॉप पर जो है वो पॉवर्टी और बच्चा जो है वो गरीब था ना। तो कहते हैं कि उसको कौन सा चांस मिला पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने का ना। फर्स्ट वॉइस कहती है, अज्यूम्ड, ओ दैट्स इट, ए वेल इट सीम्स टू बी अ प्रीटी नेसेसरी सिकनेस। ये गुर्बत जो है ये नेसेसरी सिकनेस है, हर बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। नेसेसरी सिकनेस यानी जिसके बगैर रहा ना जा सकता हो, एंड यू यू विल हार्डली फाइंड अ क्योर फॉर इट, कि इसका इलाज भी नहीं मिलता। आई सी यू आर अ बिट ऑफ रिफॉर्मर, फर्स्ट वाइस कहती है कि सेकंड वाले को ना, कि मुझे लगता है कि तुम बड़े रिफॉर्मर से हो। सेकंड वाइस, ओ नो बट देयर आर टाइम्स व्हेन द फ्राइटफुल इनजस्टिस ऑफ इट ऑल सिकन्स मी विद द लाइफ इन जनरल। कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर नाइंसाफियां देखी। नाइंसाफी बच्चे, हम ये समझते हैं कि यहाँ दुनिया में मतलब जो इंसान एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो एक ये हो गया। दूसरा आपने देखा होगा, यानी ये बड़े मुआरिफ होते हैं और वो फितरत के हवाले से कहते हैं कि फितरत भी जो है, फितरत जस्टिस भी करती है और फितरत इनजस्टिस भी करती है। यानी कि नेचर का एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जो जो नेचर को रेड एंड टूथ एंड क्ला देखते हैं ना, कि नेचर जो है वो इंसान की दुश्मन है, फितरत फितरती मनाजिर सॉरी जो मज़ाहिर हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं वो इंसान के खिलाफ हैं, तो वो इस हवाले से इनजस्टिस के हवाले से देखते हैं कि नेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इन नेचर है तकसीम करने वाली है, ना कि इक्वल बांटने वाली। फॉर एग्जाम्पल, एक का जो कलरफुल वुमेन है, ब्लैक है, जो क्रिपल्ड वन है, क्रिपल्ड कहते हैं माजूर को, तो वो तो अलमिया से मुराद नेचर को यही देखेगा ना, कि नेचर ने सबको सीधे आज़ादी मुझे नहीं दिए, तो व्हाट माइट बी माई फॉल्ट ना। तो वो कहते हैं कि मैंने दुनिया में और भी बहुत सारी नाइंसाफियां देखी, तो लाइफ इन जर्नल में मेरा मुझे जो लगा वो ये है कि गुर्बत का हम कहीं पे भी इलाज नहीं ढूंढ सकते। फर्स्ट वाइज कहती है, आई फाइंड लाइफ प्रिटी गुड, आई डू नॉट नो आई हैव चेंज इट इवन इफ आई कुड, के मतलब मुझे जिंदगी को मैंने अच्छे रूप में देखा है, मुझे लगता है कि हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते अगर हम करना भी चाहें। सेकेंड
सेकंड वॉइस कहती है स्पोकन लाइक अ सक्सेसफुल मैन, कहते यार तुम तो ये जो बात कर रहे हो बड़े कामयाब आदमी की तरह कर रहे हो, फॉर आई एम श्योर यू आर अ सक्सेसफुल मैन, फॉर आई एम श्योर यू आर अ सक्सेसफुल मैन, आर नॉट यू, कहते तुम क्या कामयाब आदमी नहीं, आई मीन इन द वर्ल्डली वे, कि दुनियावी परस्पेक्टिव में, यानी जिसको कोई गम नहीं है, जिसने जिंदगी मस्बत जिंदगी पाई और मस्बत जिंदगी गुजार के चला गया, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसके वालिदैन अच्छे खाते पीते घराने से थे, उसके पास रिसोर्सेज थे, तो उसने क्या नाम है अच्छी पढ़ाई कर ली और अच्छी जॉब ले ली और अच्छे अंदाज से जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल मैन। तो उनके कंपैरिजन में जिनको गुर्बत मिलती है, दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ती है, तो उनके टू विजन्स ऑफ लाइफ होते हैं, जो जो अपनी ज़िंदगी बनाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड बंदा है, फलां भाई सेल्फ मेड होता है, तो हमेशा सेल्फ मेड बंदे के टू विजन्स ऑफ लाइफ होते हैं, उसने महरूमियाँ भी देखी होती हैं और कामयाबी भी देखी होती है, जबकि जो खुशहाल बंदा होता है उसने उसका सिर्फ वन विजन ऑफ लाइफ होता है, उसने सिर्फ खुशहाली देखी। मैं ये सारा ये नहीं कह रहा कि भाई जो अमीर होता है उसको गरीबों का दुख नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका वन विजन ऑफ लाइफ होता है, वो दूसरा एस्पेक्ट महसूस नहीं करता। मैं आपको यूँ समझाता जाऊँ कि जो गरीब है उसने पहले गुर्बत भी देखी और फिर वो अमीर हो गया, तो उसने गुर्बत भी देखी और अमारत भी देखी, और जो अमीर है तो उसने गुर्बत तो ना देखी ना, गरीब वो देख सकता है लोगों को अपनी आंखों के सामने कि फलां बंदा गरीब है, गुर्बत महसूस नहीं कर सकता। फर्स्ट वॉइस कहते हैं फ्लैटर्ड, यस यू माइट कॉल मी सो, आई गेस आई हैव मेड माई लिटल पाइल, मैंने यानी पैसे भी इकट्ठे किए, लिटल पाइल से मुराद पैसे वगैरह इकट्ठे किए, बट इट वॉज नॉट ईजी टाइम गेटिंग इन, लेट मी टेल यू। सेकेंड वॉइस कहता है यू हैड सम एडवांटेजेस, कि आपको फायदे हैं, डिड यू नॉट एजुकेशन एंड प्लेंटी टू ईट एंड क्लीन द होम एंड सो फोर्थ, कि आपके पास तालीम के पैसे थे और बहुत खाने को बहुत कुछ था, क्लीन होम था एंड सो फोर्थ, अला बला जो जिंदगी की जरूरियात होती। फर्स्ट वन कहते हैं कि आई वेंट टू हाई स्कूल एंड ऑफ कोर्स हैड द अदर थिंग्स यू मेंशन, मेरे पास वो दूसरी चीज़ें भी थी, माई पीपल वर नॉट एग्जैक्टली वट यू कॉल द पुअर, कि जिनको आप गरीब कह रहे हैं मेरे आबा अजदाद जो है वो गरीब भी नहीं थे, बट दे वर सर्टेनली नॉट रिच, लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे। व्हाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हैं इसके हवाले से ना। सेकेंड वॉइस कहते हैं डू यू थिंक यू वुड बी एज सक्सेसफुल एंड एज सेटिस्फाइड विद लाइफ इफ यू हैड स्टार्टेड विद द हैंडीकैप्स लाइक दोस which that the poor dead child would have had to contend with if he had lived, कि अगर वो बच्चा होता तो उसके हवाले से तो आप बड़े ही अमीर आदमी थे। कहते हैं ना कि जो गुर्बत और अमारत है ये रिलेटिव है, रिलेटिविटी के अंदाज में हम इसे यूँ बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिसके पास जूता नहीं होता तो वो कहते हैं कि काश मेरे पास जूता हो, और जिसके पास जूता हो तो वो साइकिल वाले को देख कर कहते हैं यार काश मेरे पास साइकिल हो, साइकिल वाला जो है वो मोटरसाइकिल वाले को देख कर कहते हैं कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल वाला कहता है कि काश मेरे पास ना कार हो, कार वाला कहता है काश मेरे पास जहाज हो, तो ये रिलेटिविटी है। यानी वो कहते हैं कि अगर अभी आप इस डेड चाइल्ड को अपने सामने पाओ, जिंदा पाओ, तो आपको महसूस हो जाएगा कि यार आप इस गरीब बच्चे से तो बड़े ही वो हैं, अमीर हैं, सेटिस्फाइड हैं, सक्सेसफुल मैन हैं। इसलिए तो वो इस्लाम में भी कहते हैं ना कि जब आपको अपनी महरूमियों का एहसास होने लगे तो आप अपने से नीचे वालों को देखो तो इत्मीनान मिल जाएगा कि आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड से, आपके लाइफ स्टैंडर्ड से नीचे रह रहे हैं। तो यहाँ तक आज हम ये देखेंगे, इसके थीम्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेटर ऑन एक स्लाइड में मैं इनको अलग राइट करूँगा कि पावर्टी है, रिलेटिविटी ऑफ द ट्रूथ्स हैं, हर बंदे की अपनी सच्चाई है, सच के जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं, डेथ का थीम है, सॉलिट्यूड का थीम है, और क्या नाम है नेचर के हवाले से कि नेचर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसमें वो हुए हैं। तो बाकी अगले लेक्चर में मैं दोबारा देखूंगा इसमें, आप पोएट्स दोबारा देख लें, करेक्टर्स पोएट है, बिजनेस मैन है, पोलिश पीजेंट वुमेन है, डेड चाइल्ड है, थर्ड ऑफिसर ऑफ द स्टीमर है, और द सेलर्स ऑफ द स्टीमर है, वो उनको एंड पर बचाने आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।